निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स, स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 97,500 and for the year ended 31st March 2017 112,500. व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 31st मार्च 2018 55,000 एंड फॉर 31st मार्च 2017 37,500. पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर 31st मार्च 2018 2005 and 31st March 2017, 1000. व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स 31st March 2018, 20,000 and 31st March 2017, 15,000. Goodwill 2018, 7,500 and 2017, 10,000. Provision for tax 5,500 for 2018 and for 2017, 7,500. अन्य सूचनाएं, other information. First, 31st March 2018 को कर के बाद शुद्ध लाभ 77,500 था. The net profit for the year ending 31st March 2018 was 77,500 after tax. B. वर्ष में लगाया गया ह्रास 34,000. Depreciation charge during the year rupees 34,000. C. बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति के प्राप्त हुए 20,000. Claim received from insurance company for damage rupees 20,000. इस प्रश्न में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तैयार करना है, जिसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसकी कैलकुलेशन स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, हमको इसके लिए एक वर्किंग नोट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो कि क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है निकाल के एडजस्टमेंट के अंतर्गत, अन्य सूचनाओं के अंतर्गत 77,500. इसमें हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स को हम इसमें ऐड कर देंगे 5,500, तो ये हो जाएगा 83,000, और इसमें हम माइनस कर देंगे क्लेम रिसीव जो हमको हुआ है, या फिर हम इसमें रिफंड को माइनस करते हैं, टैक्स डिडक्शन को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लेम हमको जो रिसीव हुआ है, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है 20,000, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा 53,000. अब ये हमको मिल गया, इसके बेस पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तैयार कर लेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 53,000. इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं इसके, हमने देखे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, और दूसरा एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस वर्किंग कैपिटल आइटम. तो यहाँ पूरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम में एक तो हमको डेप्रिसिएशन दिख रहा है और गुडविल दिख रहा है. जनरली सारे क्वेश्चन में हमको ये पॉइंट जरूर मिल रहे हैं, डेप्रिसिएशन और गुडविल. तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम यहाँ देख रहे हैं कि कैलकुलेट करके दे दिया गया है वर्ष का, तो हमको कहीं पे तुलनात्मक इसका कंपेरिजन इसका नहीं करना है, डायरेक्ट हमको 34,000 को इसमें एड कर देना है. और गुडविल हमको दिखाई दे रही है जो कि 2017 में 10,000 की थी, लेकिन 2018 में डिक्रीज होकर 7,500 की हो गई. तो 2,500 यहाँ पर गुडविल जो है एसेट्स है उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी इसका हम एड में इसको लिख देंगे गुडविल अमोर्टाइज 2,500. ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बैलेंस जो आएगा 89,500. अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम. वर्किंग कैपिटल के आइटम जो रिसीवेबल्स है, पेबल है, इन्वेंट्रीज है, इनसे जो रिलेटेड होते हैं वो सारे इसके अंतर आ जाते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी इन्वेंट्रीज या पेबल या रिसीवेबल्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं. तो एक तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इन्वेंट्री, सबसे पहला पॉइंट इन्वेंट्री क्या हो रहा है, 2017 में 112,500 था,
और 2018 में 97,500 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गई इन्वेंट्री थी, एसेट्स थी हमारी डिक्रीज हो गई, यानी इन्वेंट्री थी हमारे पास, स्टॉक था हमारे पास, डिक्रीज हो गया। अब ये ऐड का पॉइंट है, ऐड में चला जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की इन्वेंट्रीज जो थी वो डिक्रीज हो गई, एसेट्स था अब वो डिक्रीज हो गया, ऐड में चला जाएगा। तो डिक्रीज कितना हो रहा है 15,000 का, यानी बैलेंस हम दोनों का माइनस करके निकालेंगे तो 15,000 का, ये हमारा एक ऐड का पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है हमारे लिए और यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है कि ये इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये माइनस का पॉइंट हो गया, माइनस में चले जाएगा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, और 37,500 का था अब ये हो गया 55,000 का, तो कितना इंक्रीज हो गया 17,500, इसको हम लेस में डाल देंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल में 17,500। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस का, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमको इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, 2017 में 1000 के थे और 2018 में 2500 के हो गए, यानी यहाँ पे भी हमको 1500 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और अगर एसेट्स हैं इंक्रीज होंगे तो फिर लेस में आएंगे, तो हम लेस के पॉइंट में इसको लिख लेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1500 का। फिर इंक्रीज इन, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमको ट्रेड पेबल्स के दिख रहे हैं, तो ट्रेड पेबल 2017 में 15,000 था, अब हो गया वो 2018 में 20,000, यानी 5,000 से इंक्रीज हुआ। दूसरी बात पेबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमने फॉरवर्ड में देखा कि एड में चली जाती है, तो यहाँ पर हम एड में लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल और 5,000 से इसकी एंट्री कर लेंगे। ये जो बैलेंस आ जाता है हमारा ये कहलाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और ये हो जाएगा 90,500। इसमें हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड, जैसे कि हमने देखा था टैक्स पेड है हमारा 7,500, तो ये जो बैलेंस बचेगा ये कहलाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 83,000। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अगर कोई रिफंड है तो, लेकिन अगर रिफंड नहीं है तो हम क्लेम जो है वो इसमें से माइनस कर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है क्लेम रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, तो ये हम इसमें ऐड कर दे, तो हमारा जो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा वो हो जाएगा 1,03,000। निम्नलिखित जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज पर्टिकुलर, लाभ हानि विवरण पत्र के अनुसार शेष या आधिक्य, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 1,50,000 एंड फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 रुपीज 1,00,000। संचित हास एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एंडेड ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 1,60,000 एंड फॉर ईयर 31st मार्च 2017 रुपीज 1,50,000। ख्याति गुडविल फॉर ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 60,000 एंड फॉर ईयर 31st मार्च 2017 80,000। पूर्व दत्त व प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 21,000 एंड फॉर ईयर 31st मार्च 2017 रुपीज 22,000। प्राप्य बिल बिल्स रिसीवेबल फॉर ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 90,000 एंड फॉर ईयर 31st मार्च 2017 रुपीज 70,000। अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 20,000 एंड फॉर ईयर 31st मार्च 2017 8,000। स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर ईयर 31st मार्च 2018 रुपीज 90,000 एंड फॉर ईयर 31st मार्च 2017 रुपीज 70,000। इस क्वेश्चन में हमको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
को यहाँ पर शो करना है, और यहाँ हम इनडायरेक्ट मेथड से, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, इनडायरेक्ट मेथड से हम यहाँ पर इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2018, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो, और वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे जो कि 31 मार्च 2017 का प्रॉफिट था। तो हमको यहाँ पर जो बैलेंस मिलेगा उसको हम मान लेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2018। दो कॉलम है हमारे पास यहाँ पर, एक अमाउंट का कॉलम है फर्स्ट, और सेकंड कॉलम जो है वो नेट अमाउंट का है। तो अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 31 मार्च 2018 150,000, और इसमें हम लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च 2017 1 लाख, और बैलेंस जो हमको मिलता है यहाँ पर 50,000 का, उसको हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 50,000। अब हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, फॉर्मेट में हमने देखा था कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करते हैं, तो हम उसमें क्या क्या एडजस्ट करते हैं। तो एक तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2017 में जो 80,000 का था, ये 2018 में 60,000 हो गया, यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन का लॉस था ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में हम इसको यहाँ पर ऐड वाले पॉइंट में हम इसको लेते हैं, तो ऐड करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है 20,000 वो, और फिर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक गुडविल का पॉइंट। तो डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2017 में 150,000 का, और 2018 में 160,000 का, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 10,000 जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और अमाउंट कॉलम में हम 10,000 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं गुडविल। तो गुडविल 2017 में यहाँ पे हमको 80,000 का दिख रहा है, और 2018 में हमको 60,000 का दिख रहा है। तो गुडविल राइट ऑफ के जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20,000 से वो कम हुई है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 और 20,000 यानी कि टोटल 30,000 को हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर जो हमने देखा 50,000 हमने यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 कैलकुलेट किया था, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट जो 80,000 की हमको मिलेगी वो हो जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल मिल गई है। अब हमने देखा था कि फॉर्मेट में इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी चीजें इसमें ऐड करने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर करंट एसेट्स में, किसी एसेट्स में अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, या फिर लाइबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था। दूसरी कंडीशन, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम उसको लेस करते हैं, या फिर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको लेस करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अब हमको इसमें से पॉइंट आउट करना है कि किन किन चीजों को हमको यहाँ पर ऐड करना है और किन किन चीजों को हमको यहाँ पर लेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिक्रीज जो हो रहा है करंट एसेट्स, उसमें एक हमको दिखाई दे रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड के बारे में हमने पहले से जाना कि प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 2017 में 22,000 का था, अब वो 2018 में डिक्रीज होकर 21,000 हो गया, यानी कि 1,000 इसमें डिक्रीज हुआ है। तो ये हम एड वाले पोर्शन में रखेंगे इसको, डिक्रीज इन करंट एसेट्स पॉइंट डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ हम लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इनर अमाउंट कॉलम में हम 1,000 लिखेंगे जितना कि डिक्रीज हुआ है। और हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है एक लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइबिलिटी है 8,000 2017 में और ₹20,000 2018 में। तो यहाँ पर हमको ये जो लाइबिलिटी है ये इंक्रीज होती दिखाई दे रही है,
और अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम फिर एड कॉलम में लिखते हैं। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है इसमें, 8,000 से वो इंक्रीज होकर हो गई 20,000, यानी कि 12,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 12,000 की जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, वो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम पर्टिकुलर में लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, और फिर सेकेंड पॉइंट डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इनर अमाउंट कॉलम में हम इसकी अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस अमाउंट जो है यानी कि इंक्रीमेंट अमाउंट जो है 12,000, और फिर इसका टोटल जो होगा 13,000 वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, और फिर हम इसको हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल था 80,000 उसमें हम इस 13,000 को प्लस कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हमको यहाँ पर 93,000 के मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि लेस के कौन कौन से पॉइंट हैं। तो दो चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो, इन दोनों पॉइंट्स को हमको लेस में डालना है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि बिल्स रिसीवेबल जो एक प्रकार का एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, ये 2017 में 70,000 का था और 2018 में ये 90,000 का हो गया, यानी कि ये जो करंट एसेट्स है ये इंक्रीज हो रही है 20,000 से। तो इसको हम लेस कॉलम में लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, और जो डिफरेंस की अमाउंट है यानी कि इंक्रीमेंट की जो अमाउंट है 20,000 उसको यहाँ पर हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टॉक, तो स्टॉक यहाँ हम देख रहे हैं कि 70,000 था 2017 में और 2018 में वो 90,000 का हो गया, यानी कि 20,000 का स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक जो है वो हमारे लिए करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स की अमाउंट अगर इंक्रीज होती है तो फिर उसको हम लेस कॉलम में लिखते हैं, तो 20,000 से हम इसको लेस में लिखेंगे। टोटल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 40,000 आ रहा है, और आउटर कॉलम में हम इस 40,000 को लिखेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर जो 93,000 प्राप्त किया था उसमें हम इस 40,000 को माइनस कर देंगे, तो हमको जो अमाउंट मिलेगी 53,000 की वो हमारी हो जाएगी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। लाभ हानि विवरण के अनुसार शेष या आधिक्य सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ₹80,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 ₹1,00,000। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ₹2,50,000 and for the year ended 31st March 2014 ₹2,40,000. Goodwill for the year ended 31st March 2015 ₹15,000 and for the year ended 31st March 2014 ₹20,000. Adatvay outstanding expenses for the year ended 31st March 2015 ₹8,000 and for the year ended 31st March 2014 nil. Samanya Sanchay general reserve for the year ended 31st March 2015 ₹80,000 and for the year ended 31st March 2014 ₹50,000. प्लांट पर हास के लिए आयोजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 ₹1,00,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 ₹82,000. प्रोविजन पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 nil and for the year ended 31st March 2014 ₹6,000. Trade payable for the year ended 31st March 2015 ₹84,000 and for the year ended 31st March 2014
₹60,000। अतिरिक्त सूचनाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, व्यापार के दौरान प्लांट जिसका लागत मूल्य ₹60,000 तथा पुष्ट मूल्य ₹36,000 था, ₹40,000 में बेच दिया गया। दूसरा, वर्ष के दौरान आयकर चुकाया ₹30,000। तीसरा, वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान किया ₹18,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹36,000, वॉज सोल्ड फॉर ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर। सेकेंड, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। थर्ड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹18,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इस प्रश्न में हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2014 और 2015 के प्रॉफिट है। 2014 के लिए प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है 1 लाख और 2015 के लिए प्रॉफिट दिया गया है 80,000। दोनों का डिफरेंस निकाल कर हम करेंट ईयर का नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ₹20,000। अब इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो एक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनरल रिजर्व से रिलेटेड जो पॉइंट है उसके अंतर्गत जो जनरल रिजर्व 50,000 का था, अब वो हो गया 80,000 का। मतलब एक तो हमको यहाँ पर ये रिजर्व दिख रहा है 30,000, उसको हम एड में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हमको जो लॉस टाइप आइटम हमको यहाँ पर एड में और जो प्रॉफिट टाइप आइटम है उसको हमको लेस में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिविडेंड पेड दिया गया है और डिविडेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18,000 जो है वो भुगतान किया गया है वर्ष के दौरान, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये हमको मिल जाता है यहाँ पर 20,000 प्लस 48,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर, समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 ₹5 लाख एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹4 लाख। पूर्वाधिकार अंश पूंजी 10%, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹3 लाख एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹5 लाख। ऋण पत्र 12%, डेबेंचर 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1 लाख एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,50,000। प्रतिभूति प्रीमियम संचय, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,50,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,30,000। प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,80,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,50,000। अतिरिक्त सूचनाएं, पहला, 31 मार्च 2018 को समता अंशों का निर्गमन किया गया। दूसरा, समता अंशों पर अंतरिम लाभांश चुकाया गया 15%। तीसरा, पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन 1 अप्रैल 2016 को 5% प्रीमियम पर किया गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, इक्विटी शेयर वेयर इशूड ऑन 31 मार्च 2018। सेकेंड, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड एट द रेट ऑफ ₹15%। थर्ड, प्रेफरेंशियल शेयर वेयर रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 एट 5% प्रीमियम। इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनानी है। हमने फॉर्मेट में देखा कि किस तरह से जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए कैश फ्लो तैयार करते हैं तो हम उसमें जो भी फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है और जो कैश यूज रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है उनको यहाँ पर हम शो करते हैं और फिर उनके बेस पे अलग अलग हम कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और फिर कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें हमारा ए जो पॉइंट आएगा उसमें हम कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने कैश इनफ्लो के लिए कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हैं। तो यहाँ पर एक तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू किए हैं, और यहाँ पर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल ईयर 2017 में 4 लाख था, अब वो ईयर 2018 में 5 लाख हो गया, यानी कि करेंट ईयर में प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है वो 1 लाख से इंक्रीज हुई है, 1 लाख एडिशनल हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो 1 लाख के अमाउंट को हम यहाँ पर इनर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटी है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि 2017 में 1,30,000 की थी और 2018 में 1,50,000 की हो गई, यानी कि यहाँ पर इस सिक्योरिटी रिजर्व के लिए हम देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए देख रहे हैं कि 2017 में जो अमाउंट 1 लाख की थी 2018 में वो 1,50,000 की हो गई, तो 50,000 इंक्रीज हुआ है, जिसको कि यहाँ पर हम इनर कॉलम में लिख लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रुपीज 50,000। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड दिया गया है, और ये भी कैश इनफ्लो ही दिखा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए, तो ये 1,50,000 का था और फिर ये इंक्रीज होकर 1,80,000 का हो गया, 17 से 18 में इसमें 30,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे 30,000 की, और ये जो टोटल आ रहा है इसका 1 लाख प्लस 50,000 और प्लस 30,000, ये 1,80,000 को हम फाइनल कैश अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। तो एक तो हमको यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिया गया है वहां पर दिया गया है कि इंटरिम डिविडेंड जो है वो ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड एट 15% दिया गया है, और ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड, तो इसमें क्योंकि हम एडजस्टमेंट में देख रहे हैं कि समतांशों पर अंतरिम लाभांश चुकाया गया 15%, 17 में ये समतांश जो थे 4 लाख के थे और इस पे अगर 15% इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हैं तो ये 60,000 का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैश यूज, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड अलग से ये दिया गया है तो कैश यूज में हम इसको शामिल कर लेंगे, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पे 60,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद हम एक यहाँ पे देख रहे हैं कि रिडम्पशन जो दिया गया है वो 5% प्रीमियम पर दिया गया है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर हम जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल दिया गया है 5 लाख का, उस पर डिफरेंस से हम तो देख रहे हैं कि करंट ईयर में कितने का इशू हुआ है, तो पहले दोनों का जो डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी 2 लाख का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, कम हो गया है इसमें, और उसके बाद फिर इसमें रिडम्पशन भी है, तो रिडम्पशन में हम देख रहे हैं कि 5 लाख का अगर हम 5% रिडम्पशन यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये 25,000 और उसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी कि ओवरऑल हम 2,25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये टोटल अमाउंट हो जाएगी 60,000 और 2,25,000, यानी 2,85,000। और अब अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें ए और बी का, तो यहाँ पर हमको नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख रहे हैं 1,80,000, और कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं 2,85,000। डिफरेंस इनका 1,05,000 आ जाता है, जो कि हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।